सारा शहर शांत पर गया है। शहर की आंखों में झपकियां गहरी उतर गई हैं। पिछले कुछ दिनों से खबरों की सुर्खियां ये बता रही हैं कि मछलियों पर फॉर्मेलिन नामक द्रव्य का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अखबारों ने इस खबर की पुष्टि भी की, मगर आज हम इसी सिलसिले में सड़क पर उतरे हैं और आज हम जानेंगे ज़मीनी हकीकत को। फॉर्मेलिन नामक द्रव्य क्या है, इसके पीछे की राज क्या है और हकीकत क्या है, आइए देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं बेगमबाग के मछली मार्केट में और यहाँ हमारे साथ हम इनसे बात करेंगे भी। आपका नाम क्या हुआ सर? इरफान। इरफान, इरफान आप ये धंधा कब से कर रहे हैं मछली का? कम से कम 20 साल के ऊपर हो गए। 20 साल। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम अखबारों में ये देख रहे हैं कि फॉर्मेलिन नाम का एक केमिकल है जिसको सब यूज़ कर रहे हैं, तो इस बारे में आपको पता है ऐसा कुछ मार्केट में ऐसा कुछ खबर चल रहा है? ऐसा तो कुछ पता नहीं है, बाकी जो है ना ये केमिकल का जो है ना ये खाली अफवाह है। ये अच्छा अफवाह है, कुछ केमिकल लगाया नहीं जाता है। मच्छी जो होती है कुदरती होती है। तो ये मछली आप लाते कहाँ से? ये हम लाते हैं क्रॉफर्ड मार्केट से, कुलाबा। अच्छा। से हाँ। कसारा से। तो ये बात पता है आपको, क्रॉफर्ड मार्केट जहाँ से आप लाते, हो सकता है कि वही लोग इस केमिकल का यूज पहले से करते होंगे, आपको पता नहीं होगा? नहीं 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 ऐसा। और जैसा कि हम देख सकते हैं अभी हमने बात किया व्यापारी से, अभी हम बात करते हैं कस्टमर से कि उन पे कैसा असर पड़ रहा है। नमस्कार सर। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आलम है। आलम, आलम आप यहाँ पे मछली खरीदने आए हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि अभी जो खबर चल रहा है फॉर्मेलिन नामक एक केमिकल का, तो उस खबर को आपने अगर पढ़ा है या देखा है, तो उस खबर से आपको क्या असर क्या पड़ रहा है उस खबर का? देखो डर तो सबको पैदा रहता है कि भाई मच्छी में ऐसा कुछ। हम लोग मच्छी पहले हफ्ते में 3-4 दिन ले आते थे, अभी मच्छी डर के मारे 1-2 दिन लेके जाते हैं। अच्छा, मतलब उस खबर उस खौफ पैदा हो गया अंदर। खौफ तो हर एक आदमी को पैदा होता है, इसमें ऐसा कुछ और अफवाह हो गया था उसको आदमी खाना बंद कर देता है। जी कि देखो घर पे बच्चे हैं, मैं हूँ या कुछ भी हो गया तो आदमी क्या मर सकता है। जी तो अभी मच्छी जैसे मेहमान है घर में या कोई आया तो बहुत सोच समझ के ले आना पड़ता है मच्छी। अभी दुकानदार से पूछना पड़ता है भाई मच्छी कैसा है कैसा नहीं, दुकानदार विश्वास दिलाता है। If it is this, then it is correct, you know, either this or this contaminated. Right. If the color is more dark, then you can say that it is heavily contaminated. Right. So this is very handy and easy to use. In some kind of fishes, like marine fishes, where TMAO is already present. So trimethylaminoxide. So that is already present in the fish. So when you store it for a long term, no? Then that TMAO, it will convert it to formaldehyde. That is also, it is present in a very minute level. And this formaldehyde, it will react with the protein and it causes some textural changes. If it has been stored for a very long term, more than 7 months, 8 months in a freezer. What changes? That textural changes. Textural. Sometimes when we eat fish, frozen fish, you feel like it's rubbery. That juiciness won't come. So like that, that too only in marine fishes. And freshwater fishes you don't get, it's very negligible. And as of you cannot use this formaldehyde in any kind, either preservative or anything, it's completely banned. नमस्कार, हम मौजूद हैं अभी वर्सोवा बीच के किनारे समीप, जहाँ पे अभी हमने देखा है कि मछलियों के कारखाने के बारे में हम सबको जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ के प्रधान सेवक, यहाँ के प्रेसिडेंट, तो आइए इनसे पूछते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? जी मेरा नाम है विशाल पृथ्वीराज चंदी, नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ विसा और मछिमा विविध कार्यकारी सहकारी सोसाइटी लिमिटेड। सर तो कितने दिनों से आप इस पद को संभाल रहे हैं? अभी कुल 13-14 साल हो गए। सर तो ये 13-14 साल से फिलहाल में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी गतिविधियाँ जो आपको गतिविधियाँ मीन्स अभी ये जो वर्सोवा विलेज है ये कुल फिशिंग बिजनेस पे डिपेंड है। यहाँ पे मासेमारी जो होती है, जो आप पीछे देख सकते हैं ट्रोलर्स जो है, यहाँ 90% ट्रोलर्स है, 10% अदर धंधे वाले हैं जैसे कि गिल नेट वाले हैं, डोल वाले हैं, ऐसे सब धंधे हैं यहाँ। और एक 100 साल का इतिहास है गांव का। अच्छा। उन लोग सब फिशिंग बिजनेस में ही डिपेंडेंट है। जैसा कि हमने देखा पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से फॉर्मेलिन नामक एक रासायनिक द्रव्य हमारे रसोई घर तक पहुँच गया है। और सबसे दुखद की बात यह है कि साल 2015 में मानव स्वास्थ्य सरकार द्वारा
इस अधिनियम को लागू कर दिया गया था जहाँ फॉर्मलिन एक्ट का गठन हुआ था, जिस एक्ट के तहत इस फॉर्मलिन को रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारे कड़ी कदम उठाई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने सालों के बाद भी आज तक इस गठन का उपयोग नहीं हो पाया है, इस अधिनियम को लागू नहीं कर पाए हैं हम लोग। कितनी दुखद विषय है ये कि आज हमारे घरों में रासायनिक द्रव्य पाया जाता है, हमारे खाद्य पदार्थों में, मांस मछलियों में ये पदार्थ जोर शोर से पाया जा रहा है। तो हमने सब कुछ देखकर, हमने वैज्ञानिकों से बात की, हमने कारोबारियों से बात की इस सिलसिले में। अब ये साफ तौर से जाहिर है कि मानव स्वास्थ्य सरकार इस चीज़ में विफल रही है, जिस चीज़ में उन्हें आगे रहना चाहिए था। हमारे घरों में आज प्रकोप हो चुका है फॉर्मलिन नामक द्रव्य का। तो बस आगे जिम्मेदारी आपकी है, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद। फैजान अंजुम, जीवा से, मुंबई।